हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैसेंज, और मैं अब 2 हफ्तों के बाद या पता नहीं उससे थोड़े ज़्यादा दिन के बाद, भाई मैं कितने दिनों के बाद मैंने वीडियो डाली, क्योंकि ये फ़ोन मेरी मम्मी के फ़ोन में मैं रिकॉर्ड करता हूँ और मेरी मम्मी मुझे फ़ोन देती नहीं है। हाँ, तो आज मैं आपको एक स्टोरी टाइम वीडियो सुनाने वाला हूँ। या स्टोरी टाइम वीडियो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं कॉपी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ट्रिगर्ड इंसान भाई बहुत लोग करते हैं यार। स्टोरी टाइम यानी कि स्टोरी बोलने का टाइम, तो कैसे कॉपी हुआ यार? इंस्पायरिंग होगा। तो आज की इस स्टोरी टाइम में मैं आपको बोलने वाला हूँ, इस स्टोरी टाइम का कोई नाम ही नहीं है, इस स्टोरी टाइम का कोई नाम देता हूँ, फॉरिनर और इंडियन का भेदभाव। हाँ, तो इस वीडियो, अबे यार ये कौन मैसेज भेजता है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये ना टाइम है मेरे सेकेंड स्टैंडर्ड की। सेकेंड स्टैंडर्ड में ना मेरे ना एक दोस्त था, केनिल, उसका नाम केनिल था, फॉरेनर था वो। और उसका जो ये था ना सरनेम, वो थोड़ा इंडियन था, मैं उसका सरनेम भूल चुका हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, वो ना 2C में था और मैं 2B में था। अभी मैं 3rd स्टैंडर्ड में हूँ, बट वो जब मैं 2nd में था वो 2C में था, शायद वो 2C में था, मैं तभी 2B में था। तो फिर उनकी क्लास हमारे क्लास में आई, शिफ्ट हुई। हाँ, तो क्या हुआ कि वो मेरे बाजू में बैठा, और तभी तो 2nd स्टैंडर्ड में था तो ज़्यादा इंग्लिश तो आती थी नहीं। अभी 3rd स्टैंडर्ड में तो आती है, मेरे को बहुत इम्प्रूव है मेरी इंग्लिश, हाँ इम्प्रूव है, बट 2nd स्टैंडर्ड में। हाँ, तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था उसके सामने। हाँ, तो उसने पूछा कैन आई सिट हियर, मैंने बोला यस यू कैन सिट हियर, कैसा बोला बोलते हैं रिप्लाई। हाँ, फिर वो मेरे बाजू में बैठा, और फिर वो उससे ना मेरे को जानबूझ के ऐसे मार रहा था बार बार, ऐसे टपली व टपली। हाँ, फिर मेरे को गुस्सा आया, और मैं ना शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं एकदम अच्छा लड़का हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसलिए मैं ना स्कूल में थोड़ा गुंडा टाइप का था, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी गुंडी टाइप की थी, गुंडी नहीं गुंडा टाइप का था। तो फिर मेरे को तो बदला लेना था, तो फिर मैंने मैम को जाके बोला, और तभी तो इंग्लिश आती नहीं थी जैसे मैंने बोला, तो मैंने बोला मैम मैम केनिल हीट में मैम, मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैं बोला था बीट बोलूँ या हिट बोलूँ, मैं बोला बीट हिट हिट मी मैम। हाँ, फिर मैम ने उसको क्या, मैम ने बोला तो हिंदी में बोल, तो फिर मैंने बोला मैम केनिल ने मुझे मारा, तो फिर वो उन्होंने बोला केनिल डोंट डू दैट अगेन, बस। फिर मेरे को बोल दिया बैठो जाके उधर। फिर ना मेरे को बदला लेना था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसके टपली पर टपली पीछे से मार रहा था। हाँ, तो फिर उसको गुस्सा आया, उससे जाके मैम को बोला, मैम को जाके बोलता है कि मैम सारांश हिट मी या बीट मी, जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इतनी ईजी सी बात को उसने 2 सेकंड में बोल दिया, मैं कितना टाइम ले रहा था। हाँ, और फिर मैम ने क्या बोला मुझे पता है, बोला सारांश डोंट डू दैट अगेन, सेम सॉरी। और ना फॉरेन का था, जैसा मैंने आपको बताया वो यूएसए से था, मैंने उससे पूछा भी, उसने खुद ही बोला, उसको शो ऑफ करने का पड़ा है, खुद ही बोला आई एम फ्रॉम यूएसए है। मैंने पूछा भी नहीं उससे, मैं उसको रिमाइंड कर देता हूँ फिर से, उसका नाम बोल रहा हूँ, उसका नाम है केनिल, उसका नाम केनिल है। हाँ, तो फिर उसने मैम ने जो मैंने जब उसकी कंप्लेन की, तो मैम ने उसको बोला इतने अच्छे प्यारे टोन में बोला कि डोंट डू दैट अगेन, और जब मैंने उसको टपली मारी तो मैम बोलती है सेम सॉरी एंड डोंट डू दैट अगेन। मतलब ये तो भेदभाव है भाई। अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। यार ये क्या फालतू गिर रहा, बार बार फोन गिर रहा है। अगर आपके स्कूल में ऐसा कभी हुआ है भेदभाव आपके साथ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आगे नहीं बढ़ रहा 144 सब्सक्राइबर्स के आगे, प्लीज़ कर दो, मेरे को चाहिए सिल्वर प्ले बटन, या मेरे को यूट्यूब के फैन फेस्ट में भी आना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इवेंट में मेरे को आना है, आप चाहते हो ना मैं देखूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे लगता है आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।